हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, मैं नीतू सिंह आप सबके इंग्लिश टीचर। ओके, तो आज मैं कॉन्कर इंग्लिश बुक से चैप्टर 5 करवाने वाली हूँ और चैप्टर 5 में है आप सभी का। ओके, इन दिस चैप्टर यू कैन सी ओवर हियर अबाउट द नाइटिंगेल। लॉन्ग अगो इन चाइना द एम्परर लिव इन अ प्लेस दैट पीपल सेड वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। सो भैया, इस लाइन में ये बताया गया है कि चाइना में एक जगह है जहाँ पर एक पैलेस बनाया हुआ और वो बहुत ही सुंदर है। द होल बिल्डिंग्स वॉज मेड ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पर्सनल्सन। तो जो पूरा बिल्डिंग जो है बहुत ही एक्सपेंसिव ग्लास से बना गया था। नाउ अ पर्सनल्सन एज न्यू एज यू नो इन द थिन इन डिलाइट ग्लासेस। ये एक डेलिकेट ग्लास है जो बहुत ही नाजुक होते हैं, दैट कैन ब्रोकन वेरी ईजली। ऑल द पीपल्स हु लीव आर वर्क देयर हैज टू बी केयरफुल वाइल वॉकिंग इन द पैलेस, वॉकिंग क्लीनिंग और कुकिंग इन द पैलेस। तो उन जो भी वहाँ लोग रहते हैं उन्हें बहुत ही केयरफुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो पैलेस है वो बहुत ही डिलाइट ग्लास से बनाया गया, डेलिकेट ग्लासेस से बनाया गया है, तो उन्हें सावधानी से वहाँ काम करना पड़ता है। इवन द विजिटर्स वेयर वॉर्न अबाउट द डेलिकेट नेचर ऑफ द पैलेस एंड वेयर टोल्ड टू बी कॉटेड नॉट टू डिमांड द पैलेस इन एनी वे, सॉरी डैमेज द पैलेस एनी वे ओवर ईयर। तो यहाँ पर बताया गया है ये कि जो भी बाहर से जो लोग आते हैं, जो विजिटर्स जो हैं, उन्हें भी ये बता दिया गया है कि अगर आप लोग आते हैं तो सावधानी से आइए। एज इवन अ लिटिल बिट डैमेज कुड मेक अ एम्परर एक्सट्रीमली एंग्री। तो अगर थोड़ा सा भी अगर नुकसान होता है तो जो वहाँ का जो एम्परर है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। द गार्डन सपोर्टिंग द पैलेस वॉज नॉट ओनली द लवलीस्ट ऑफ गार्डन्स, इट वॉज ऑल्सो सो लार्ज दैट इवन अ गार्डनर डज नॉट नो वेयर इट्स एंड। तो वहाँ का जो गार्डन है वो बहुत ही सुंदर है, ठीक है, देखने में बहुत ही अच्छा है, और लेकिन इतना अच्छा है ना, और बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा है कि वहाँ का जो गार्डनर है उसे भी यहाँ ये नहीं पता है कि कब यहाँ पर ये जो गार्डन है वो कहाँ ख़त्म होता है। However, some travelers who had gone beyond the garden come back and reported that the garden eventually became the huge forest that extended down to the seashore. तो जो भी अगर गार्डन को अगर क्रॉस करके गया है तो वहाँ लोग क्या गया बोला है आकर कि वो जो गार्डन जो है वो और अंदर जाकर मतलब और आगे जाने के बाद वो एक गार्डन नहीं एक फॉरेस्ट बन गया, एक बड़ा सा जंगल बन गया है जो एंड होता है सी सॉर के पास, मतलब वहाँ पर झरना जो पानी का जो झरना होता है वहाँ ये ख़त्म होता है। दे ऑल्सो स्पोक ऑफ द नाइटेंगल दैट सेट इन द ब्रांच ऑफ ट्री एंड सेंग ब्यूटिफुली। और वो जो है ये भी बताए थे उस जो वहाँ का जो बर्ड जो है नाइटेंगल, वो बताए थे कि वो जो बर्ड है वहाँ बैठकर बहुत सुंदर सा गाना गाते हैं। द पुअर एंड टायर फिशरमैन एंड कुड स्टॉप देयर वर्क टू लिसन टू द इनकैचिंग नोट दैट कम आउट ऑफ दोज ट्रॉट ऑफ द नाइटेंगल। तो जो वहाँ का जो वर्कर्स लोग जो है वो लोग भी रुक जाते हैं, उनका सॉन्ग मतलब वो नाइटेंगल का सॉन्ग सुनने के लिए वो लोग भी स्टॉप कर देते हैं। मेनी ट्रैवलर फ्रॉम अराउंड द ग्लोब कम टू सी द गार्डन प्रोक्लेम पैलेस एंड द वंडरफुल गार्डन्स, बट व्हेन दे हर्ड द सॉन्ग ऑफ द नाइटेंगल दे ऑल्सो एग्रीड दैट the best thing about the palace and its vast ground was the melodious song of the nightingale. तो यहाँ पर जो बाहर से भी जो लोग आते थे देखने के लिए उन लोगों को भी अब ऐसा लगने लगा था कि ये जो पैलेस जो है वो जो कांच का बना हुआ जो पैलेस है वो भी
बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो नाइट एंकर का जो सॉन्ग होता है उस सॉन्ग से वो और भी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस, दे क्राइड आउट एंड अमेजमेंट। और वो जो है वो लोग ये बताते हैं कि ये वॉइस जो है बहुत ही सुंदर है। इवन दे गॉट बैक होम, और उसके बाद फिर वो घर जाते हैं, दे कुड नॉट फॉरगेट द सॉन्ग ऑफ द नाइट एंगल दैट लाइन दैट लिव्ड इन द फॉरेस्ट दैट स्लोप डाउन टू द सी। पोएम्स एंड बुक्स आर रिटन इन अफेयर्स ऑफ द मैजिकल वॉइस। और जो बाहर से जो लोग आते थे देखने के लिए वो क्या करते थे कि जो नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है उसे सुनकर इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो उस पर एक बुक लिख दिए थे। ठीक है, एंड सो इट हैपेंड दैट वन ऑफ दिस बुक रीच टू द हैंड ऑफ द एम्परर। और तभी क्या होता है वो बुक जो है वो लोग जो लिखे थे बुक, एक बुक उनके यहाँ से एक एम्परर के पास चला जाता है। He was pleased to read about all the great thing written about his palace and the garden। और वो इस चीज़ को पढ़कर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, क्या कि उसके पैलेस और उसके गार्डन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ही रीड सम मोर एंड देन सडनली ही रीड अबाउट द नाइटिंगेल एंड ऑल एंड वॉज एस्टोनिश्ड। और उसके बाद वो ये चीज़ देखकर मतलब ये आगे और भी पढ़ा, जब आगे पढ़ता है तो उसे क्या समझ में आता है, एक नाइटिंगेल बर्ड के बारे में लिखा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोनॉस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका सॉन्ग जो है प्रभावित करने। व्हाट ही सेड, द नाइटिंगेल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द थिंग्स इन माई एम्परर। तो ये पढ़कर वो ये बोलने लगा कि क्या ऐसा भी है, ऐसा है क्या जो मेरे पैलेस में ही एक बर्ड है जो नाइटिंगेल कहा जाता है वो सबसे ज़्यादा है, मेरे पैलेस में बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। वेयर एंड व्हाट इज़ नाइटिंगेल, वेयर एंड व्हाट इज़ नाइटिंगेल, और मतलब कहाँ है और क्या है नाइटिंगेल। ठीक है, यहाँ वो क्वेश्चन अराइज करता है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। और वो क्या बोलता है कि हम जो एम्परर है वो बोलता है कि ये क्या है, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है। यहाँ देखिए फिर आगे, आई हैव नेवर और हर्ड द नेम ऑफ सच अ बर्ड और सेड द कोटियार। जो कोटियार जो वहाँ का जो लोग जो है देखभाल जो करते हैं वहाँ वो बोले क्या कि हम तो कभी ऐसा बर्ड का नाम सुने ही नहीं है। सी ही हैज़ नॉट एवर बीन प्रेजेंटेड इन द पैलेस। और वो जो है बोला क्या कि वो जो नाइटिंगेल बर्ड जो है वो कभी पैलेस में तो कभी आया ही नहीं है यहाँ पर। The whole world knew about is this bird, but is mine। तो सारा जो दुनिया है सब जानते थे कि ये जो बर्ड है वो मेरा है। एंड आई डोंट नो अबाउट इट, और मुझे ही नहीं पता इसके बारे में, सेड द एम्परर। और एम्परर बोलता है ये सारा बात, आई वॉन्ट हर टू बी प्रेजेंटेड इन माई कोर्ट दिस इवनिंग। और वो जो है एम्परर है वो क्या बोलते हैं कि मुझे ये बर्ड जो है ये शाम तक मुझे ये बर्ड चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं यहाँ तक स्टॉप कर देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करूँगी और आप लोग इसे पे ध्यान दीजिएगा। ओके सो थैंक यू, स्टे होम एंड बी सेफ।